सुतन्ना हो गई हमारी रेडी, क्यूट सी स्मार्ट लग रहे हो भाई आज तो। मेरे आज तन्ने का मेकअप, और इसने कहा है कि मैं दीदी से मेकअप तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये पेंट उतर जाएगा। हाँ हाँ। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इवनिंग में ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली क्या था, मॉर्निंग में तो बच्चे स्कूल गए हुए थे और मानू तो अभी तक तो कॉलेज से ही नहीं आई, क्योंकि आज उसका फेयरवेल था और फेयरवेल का व्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि बहुत होश पोश हो गया था उसका। काफ़ी सारा सामान उसको लेके जाना था क्योंकि वो वाइस प्रेजिडेंट है अपने उसकी, तो सारा टेक केयर ही उसे करना था, तो बहुत सारा सामान था। फिर उसको ऑटो कराया, उसको भेजा, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। और जैसे कि इनके बच्चों के पापा आ चुके हैं, हस्बैंड आ चुके हैं टूर से, तो बट टूर से आने के बाद भी ना उनकी छुट्टी नहीं होती है, उनको दिल्ली ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो कोई छुट्टी नहीं है। टूरिंग भी चलती रहती है और ऑफिस भी चलता रहता है। तो अभी मैं जाने वाली हूँ मार्केट तन्ना को लेके, और क्यों जाने वाली हूँ वो भी बताने वाली हूँ। तन्ना क्या है आपका? हाँ, इंटर स्कूल कंपटीशन है, नियर बाय स्कूल है बट काफ़ी बड़ा स्कूल है जिसमें ये इंटर कंपटीशन के लिए जाने वाली है। तो इसका ड्रेस मिली है, तो उसके साथ है ब्लैक सॉक्स पहननी है। एक्चुअली क्या होता है, ड्रेस के वैसे तो उन लोगों ने हमसे ले लिए, जैसे 300 रुपीज मैंने दे दिए, लेकिन उसके बावजूद प्रॉप भी चाहिए, उसके बावजूद ऐसा मेकअप करना है, ये वाला सामान भी लेके आना है, और साथ में सॉक्स भी ब्लैक होनी चाहिए, पजामी भी ब्लैक होनी चाहिए। तो बड़ी सारी तो ब्लैक पजामी तो मिल गई है हमें, बस साथ में हमें सॉक्स चाहिए, तो वो ब्लैक मैं अभी इसको दिलाने वाली हूँ क्योंकि अभी चली जाऊँगी, फिर मानू आएगी कॉलेज से, तो फिर उसको भी थोड़ा सा देखना है। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको यहाँ की मार्केट में। नहीं दीदी, नहीं आप और मैं चलेंगे, फिर बाद में दिक्कत होगी। तो यहाँ की मार्केट घुमाती हूँ आपको, अपने नियर बाय की मार्केट, ठीक है? सो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी तन्नू को लेके जा रही हूँ। उसके लिए क्या लेना था ना हमने, बिंदी लेनी है स्टोन वाली वाइट कलर की, और क्या लेना था, सॉक्स। तो वाइट और पिंक बिंदी, तो वाइट और पिंक बिंदी लेनी है और हमने लेना है सॉक्स ब्लैक वाले। तो देखते हैं हम मार्केट से कितने रुपए में मिलता है। हाँ जी, क्या वेट चल रही है? बहुत देर लगा रहे हैं। कहाँ पे? वॉशरूम में, कोई भी हो वॉशरूम में, पता नहीं क्यों टाइम लगता है सबको। एक तो अपना फोन जरूर लेके जाते हैं ना। तन्ना यहाँ पे रेडी हो, तन्नी दिखा दो आपने क्या क्या पहना है। लेवेंडर कलर की पजामी पहनी है, लेवेंडर कलर के क्रॉक्स पहने हैं, टी शर्ट डाली है, और हेयर अभी वॉश किए हैं क्योंकि कल तन्ना का क्या है, इंटर स्कूल कॉम्प। और पापा ने देखो शूज़ कहाँ उतारे हैं आके, तो पापा को बोलने बाहर उतारो, आवाज़ मारो पापा को, जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे पापा, तो कोई बात नहीं, एक बार निकालने दो ना भैया को। तो यहाँ से लेनी है हम लोगों को बिंदी, जो कि स्टोन वाली बोली थी, ठीक है? वैसे यहाँ पे ना काफी अच्छा देखो। हाँ सेम, छोटी नहीं, नहीं ठीक है, इससे बड़ा साइज भी है क्या? दिखा दो कितना बड़ा, ठीक है एक बार देख लेते हैं। वैसे तो सेम ही लग रहा है, सेम ही। नहीं ये वाला ठीक है, देख ले कितने का है ये। अच्छा ठीक है, इसमें पिंक कलर है, अगर पिंक है तो पिंक भी एक और दे दो, एक पिंक। ये बट मल्टी वाला तो बहुत छोटा है ना, बाद में फिर टीचर मल्टी के लिए बोलेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी पिंक है, एक दो तीन चार, चार, एक दो तीन चार, चलो ले लो, मैं पेमेंट करके आ रहा, ठीक है? और क्या लेने थी, सॉक्स हमें आ गई ना, मार्केट बंद थी है ना। ये भी है स्कूल यूनिफॉर्म, यहीं से तो लिया था हमने। मानो की ड्रेस उसकी स्विमिंग वाली है ना। चलो आओ पहले वहाँ सॉक्स देख लें जरा, है ना। कल एक शॉप दिखाई थी ना आपको सॉक्स वाली, जिसमें ये बर्तनों की शॉप है, ये जो थर्मल वियर, हाँ है बच्चे के नाप के दिखा दीजिए, बड़ी मतलब नॉर्मल दिखाने दो, ब्लैक सॉक्स दिखा दो। बिजनेस टाउन, ये तो हमने सुनी नहीं कंपनी। मैं तो 90 से बेच रहा हूँ, 30 साल तो मुझे अभी 30 साल। अच्छा जी, वो बॉन्जर वगैरह तो सुनी है हम लोगों ने। बेंजोर तो कूड़ा, बेंजोर की तो कूड़ा है। हाँ। अच्छा महंगी कितनी है? महंगी तो है, फिर वो ब्रांड की महंगी तो होती है कंपनी की। चलो थोड़ा इसका फर्क आ जाता है फैब्रिक का, ये वाला थोड़ा, ये अभी तो बहुत हल्की है ना। हाँ ये तो मंगाते नहीं, वो कॉटन में होगी। देखो हाँ ठीक है, एक बार खोलना इसको, ये निकल जाएगा इसका, ये एक ये निकाल दो, ऐसे निकाल दो बस।
पंजा देखना है, पंजा अच्छा बच्चे को बड़ा ना हो ना। ठीक है, कितने की बताओ? 75 रुपए की। ठीक है दे दो, ठीक है ना, वैसे ही है ना। ठीक है 75 रुपए, पेटीएम करूँगी मैं, दे रहा हूँ। शॉपिंग हो रही है चिप्स की, जो कल इसको लेके जाने हैं साथ में। लंच भी प्रोवाइड नहीं करा रहे स्कूल वाले। कौन से लेने हैं आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, मज़े आ रहे हैं देखना, भूतनाथ बन के आए हो आप। पता आप कैसे लग रहे हैं आज? आज तो हम ना छन 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 करते जा रहे थे, उन्होंने घुंघरू पहन रखे थे क्लासिकल वालों ने, छन छन कॉरिडोर में सिर्फ हम अकेले हैं। अच्छा, अरे क्या करेंगे, घर जाके थोड़ा घूम लेते, ये नहीं पता कि उतना ही खर्चा हो जाएगा डबल, जितना मार्केट घूमेंगे ना उतना ही खर्चा कर लेंगे हम। हम दोनों ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं, पता क्यों? हमारी स्कूटी। चलो जी घर को निकल रहे हैं वापस, और कल मॉर्निंग में इसको रेडी करेंगे, तो वो भी इसी व्लॉग में देखोगे आप। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:18 और हम उठ चुके हैं, सबने अपने अपना काम डिवाइड कर लिया है। ये तना की ड्रेस है जो अभी फंक्शन के लिए, फंक्शन है ना, ठीक है। और तना फटाफट आप रेडी हो जाओ। मानू को हम लोगों ने काम दिया है पास्ता बनाने का, क्योंकि वो मेरे को उसका मेकअप करना है तना का। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे हो? और यहाँ पे देखो मेकअप का पटारा, लीपा पोती होगी तना के मुँह पे, है ना, मेकअप की लीपा पोती है मेरी। मेकअप किट मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे तो बहुत मतलब इतने सालों में फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे मेकअप किट दी थी करवा चौथ पे, या पता नहीं मेरे बर्थडे पे करवा चौथ पे दी थी। अच्छा, तो ये करवा चौथ पे मुझे मेकअप किट मिली थी, मतलब 20-22 सालों में मुझे फर्स्ट टाइम मेकअप किट मिली थी मुझे, और वो मैंने इतनी संभाल के रखी, मैं इनमें से कुछ यूज़ ही नहीं करती हूँ शादी को। अरे ये तो अभी मिली है ना तो ना भी शॉक्ड और पता है मैं इसमें से बहुत कम यूज़ करती हूँ कि ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, बस अंदर से ना लगा। और थोड़ा सा मेकअप ये रहा, तो जल्दी से कर लेते हैं तन्ना का मेकअप और फिर आपको दिखाती हूँ तन्ना कैसी लुक आ रही है तन्ना की। और तन्ना की ना एक्चुअली फ्रेंच करनी है, जो कि मुझे आती नहीं है, विल ट्राई के हो पाए। अच्छा, यहाँ पे हो रहा है तन्ने का मेकअप, और इसने कहा है कि मैं दीदी से मेकअप तो बिल्कुल नहीं कराऊंगी। तन्नू हमारी हो गई है रेडी। वाह, ये है इसका आउटफिट ऑफ द डे। ये सही नहीं लगा, बहुत मुश्किल फ्रेंच की है बेटा, जिस मम्मी को आती है ना वो फ्रेंच करनी। आईज दिखा, आईज मेकअप दिखा दे, आईज क्लोज। चलो आ जाओ। तो तन्ना हो गई है हमारी रेडी, क्यूट सी, स्मार्ट लग रही हो भाई आज तो। और आपकी ये भी अच्छी लग रही है ड्रेस भी, मुझे तो अच्छी लगी, आपको नहीं अच्छी लग रही? तन्ना को मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, है ना, लिपस्टिक लगानी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और जूड़ा मैंने बनाया है बहुत मस्त सा, है ना। और बैग कौन सा लेके जा रहे हो? अच्छा बैग भी दिखा दे फटाफट, क्या क्या लेके जा रही है, जल्दी दिखाओ। ऐसे दिखाओ, इसमें लंच है। अच्छा, लंच के अलावा क्या लेके जा रही है? लंच में स्पून डाली है उसने, पॉलिथिन में डाला है लंच। देखो भाई वेफर्स वगैरह सब है, वैसे आई कार्ड भी है इसका, और डायरी भी है। हम निकल चुके हैं तन्नी को छोड़ने, और आज ही क्योंकि इतनी सुंदर से रेडी हुई है तन्नी, एक्सपीरियंस बोलो कैसे लग रहा है आपको, क्या लगता है? चुड़ैल मैं तो कह रही हूँ चुड़ैल लग रही है, चुड़ैल लग रही है। तो आज ही रेडी हुई है अच्छे से, तो हम जा रहे गाड़ी में, और मेरी आवाज देख रहा। आज हमने इतनी लीपा पोती की है ना इसके फेस पे, इतनी पुट्टी जड़ी है ना, फिर भी गोरी नहीं जूड़ा भी उड़ जाता। जाप भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम जल्दी निकले हैं। मानू ने आपने कॉलेज जाना है? मैंने कॉलेज जाना है, लेकिन अभी मेरा प्लान है कि मैं घर आके सोऊंगी। अभी और सोएगी? हाँ प्लीज, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और मैं जो 4:30 की उठ रही हूँ, कल मम्मी मैं 9 से 8 आई हूँ, मैं पूरा टाइम खड़े सारा इधर उधर काम देखना, कभी हील्स में कभी उसमें, पैर भी दर्द हो रहा है। जाओगे यहाँ पे
कुछ नहीं हुआ, जा रहे हैं लोग। आपने बोला ना क्या हो गया, मेरे को एकदम से लगा एक्सीडेंट ना हो गया। इस रोड पे एक्सीडेंट हो गया ना बहुत ज्यादा। एक्चुअली ये रोड ना पहले इसी के लिए मशहूर था। क्या एक्सीडेंट के लिए? एक्सीडेंट प्रोन एरिया बोलते हैं। मैं आ चुकी हूँ तन्ना के स्कूल में, और तन्ना देखो कितने स्मार्ट लगे। तन्ना की फ्रेंड भी बड़ी स्मार्ट लगी। पीछे दिखाऊं क्या लगाया था आपने? पीछे दिखाऊं? अरे वाह, अच्छा गजरा, और ये नकली हेयर, आर्टिफिशियल हेयर, वाह स्मार्ट लग रहे हो भाई। आपके दिखाना एक बार, ये पेंट उतर जाएगा। हाँ हाँ, और ड्रेस बाद में देनी है। ये दिखाओ साइड में क्या लगाया था। वाह क्या, कल बताता हूं। अच्छा, और लिपस्टिक वगैरह सब उतर गए। कैसा रहा, कैसा रहा बेटा? अच्छा जीते नहीं। अच्छा आज हो गया बेटा, जिस स्कूल में होगा वही जीतेगा है। अच्छा रहा ना, चलो एंजॉय किया, कुछ खाया पिया, रिफ्रेशमेंट मिला था। चलो ओके बेटा बाय। ओह गेट भी बंद हो गया, मैं लेट हो गई क्या? हाँ, और ये पेंट उतार नहीं सकते थे मैम, घर पे लगाने के लिए दे दिया है। 11 बजे फिनिश हो गया था, तो 11 बजे तन्ना का फंक्शन खत्म हो गया था ना। मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं आए। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही तो होता है, पहला आया केयर मंगलम, दूसरा आया इंद्रप्रस्थ। ओके ये तो किया ना। सो फाइनली वी रीच्ड होम, और अभी घर पे आ गया। तना की ड्रेस वगैरह चेंज कराती हूँ, इसका जो वो है ना पेंट लगा हुआ है वो देखना पड़ेगा। और ये तना को पता नहीं क्या मिला है, वो दिखा रही है, कोड नंबर होता है। अच्छा, और अब तो दिखा दे, थोड़ा पास से तो दिखा दे, चश्मा उतारो, चश्मा, आईज क्लोज। डांस खराब कर दिया क्यों? अरे उसने बीट से पहले स्टार्ट कर दिया, सारा खराब हो गया। बीट से पहले स्टार्ट कर दिया था। ओहो तन्ना, वीडियो में थोड़ा कपड़े चेंज करते हैं। अच्छा मैं तो दिखा, आईज तो क्लोज कर, आईज क्लोज कर देखे जरा, देखो ये आईज। मैंने मेकअप किया था, फिर उसके ऊपर मैम ने और थोप दिया और ग्लिटर लगा दिया, और ये जो कमल का फूल बनाया है ऊपर, ये सारा पेंट लगा हुआ है, और जो साइड में पिंस टाइप की लगाई है ना, वो काफी अच्छे लग रहे हैं। पिंस नहीं है, वो स्टिकर्स हैं ना, वो वाले जो वो किसी और के थे, पर मैम ने कहा बेटर रख लो, तो फिर मैं रखी। अच्छा, और आपको रिफ्रेशमेंट में क्या क्या मिला था? अरे वाह, चलो भाई देख लो, इसकी SSC की बुक नहीं आ रही थी, तो बुक आ गई है फाइनली, तो बच्चे पेपर दे पाएंगे। अच्छा वो रख ली अभी? अभी नहीं मिली। अच्छा, और रिफ्रेशमेंट में क्या क्या मिला था? अच्छा ये रिफ्रेशमेंट मिला था। ओके ये कचौड़ी बड़ी है, अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। अच्छा क्या है, वेफर्स, कचौड़ी और ये पीली, चलो अब खा सकते हैं। हाँ चलो, सो फाइनली वैसे हम लोगों ने भी, आपने पास्ता खाया? हाँ। अच्छा लगा? मुझे तो पास्ता दीदी ने गिलगिला सा बनाया था। नहीं और नहीं है, अभी तोरी बनाई है वो खानी है, तोरी के साथ रोटी खानी है, और साथ में छाछ लेके आई हूँ मैं, मसाला सा कूड़ा फेंक देंगे। ठीक है, नहीं डस्टबिन में डालना है। दिखा एक बार, फोटो ले लूँ आपकी ऐसी प्यारी सी। बाय, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, बाय। और तन्नी खा रही है अभी कचौड़ी, और मैं भी तन्नी से छीन लूंगी। ओके बाय।